अब रेलवे की दी कैटरिंग और टूरिज्म कंपनी IRCTC से हवाई टिकट बुक कराने वाले मुसाफिरों को 50 लाख का फ्री ट्रेवल इंश्योरेंस मिलेगा। ये जानकारी IRCTC के एक आधिकारिक बयान से सामने आई है। इंश्योरेंस कवर वन वे और राउंड ट्रिप दोनों में मिलेगा। बयान में IRCTC ने कहा कि ये सुविधा टिकट्स की क्लास के हिसाब से होगी और घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह की फ्लाइट्स पर लागू होगी। ये इंश्योरेंस यात्रियों को सफर के दौरान एक्सीडेंट में मर जाने या परमानेंटली डिसेबल यानी स्थायी तौर पर अक्षम होने पर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देगा। इस फ्री इंश्योरेंस को देने के लिए IRCTC भारतीय एक्सिस जनरल इंश्योरेंस के साथ पार्टनरशिप करेगी। IRCTC ने बयान में यह भी कहा कि इस इंश्योरेंस के लिए प्रीमियम का बोझ IRCTC उठाएगी। सभी प्राइवेट ट्रैवल पोर्टल ट्रैवल इंश्योरेंस के लिए एक निश्चित रकम वसूलते हैं। वो दूसरे ट्रैवल्स पोर्टल को तगड़ी चुनौती देने के लिए गूगल से समझौता करने की योजना बना रहे हैं। अभी IRCTC प्लेटफॉर्म से 6,000 एयर टिकट बुक किए जाते हैं। दूसरे एयर ट्रैवल प्रति टिकट 200 रुपए तक फी लेते हैं, जबकि IRCTC सिर्फ 50 रुपए लेती है और कोई कैंसलेशन चार्ज भी नहीं लेती। IRCTC होटल बुकिंग की भी सुविधा देती है, लेकिन इसके लिए कोई फी नहीं वसूलती। IRCTC के मुताबिक वो अपने लॉयल ग्राहकों के लिए कैशबैक ऑफर देने की व्यवस्था कर रहे हैं। IRCTC की वेबसाइट से रेलवे टिकट बुक कराने पर भी यात्री को बीमा की सुविधा मिलती है, लेकिन इसके लिए 10 लाख रुपए तक के बीमे पर 49 पैसे अतिरिक्त खर्च करने पड़ते हैं। IRCTC मुसाफिरों की सुविधा के लिए लगातार कई कदम उठा रहा है। हाल ही में IRCTC ने एक और कदम उठाया है। अब IRCTC की वेबसाइट पर एक यूजर आईडी से 12 टिकट बुक कराए जा सकते हैं। पहले एक महीने में सिर्फ 6 टिकट ही बुक किए जा सकते थे, लेकिन सेवा को आसान बनाने के लिए अब संख्या को बढ़ाकर दोगुना कर दिया गया है। IRCTC ऑनलाइन टिकट बुकिंग को आसान बनाने के लिए शुरू की गई थी। कुल मिलाकर IRCTC का ये कदम यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है।